शाहरुख की फिल्म जीरो से अनुष्का शर्मा का शानदार फर्स्ट लुक। हाल ही में अनुष्का शर्मा की तस्वीर वायरल हुई है और ये तस्वीर है बड़ी शानदार। दरअसल इस तस्वीर में अनुष्का एक बूढ़ी महिला के किरदार में दिख रही हैं। अब दिक्कत ये है कि ये लुक इसलिए है ये किसी को नहीं पता। जहां आधी जनता का मानना है कि ये अनुष्का का कोई नया एड शूट है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये शाहरुख की फिल्म जीरो का कोई सीन हो सकता है। जो भी है, अनुष्का के इस लुक को विराट कोहली ने भी पास कर दिया है। इस तस्वीर को देखकर विराट ने कहा कि अनुष्का हर दम चौंका देती हैं। वाकई इस तस्वीर में अनुष्का को पहचाना काफी मुश्किल है। जीरो की शूटिंग काफी तेजी से चल रही है और आए दिन फिल्म के सेट से कोई ना कोई तस्वीर बाहर आ ही जाती है। हाल ही में कैटरीना की एक नई तस्वीर सामने आई थी। कैटरीना बिल्कुल दुल्हन के लिबास में शूटिंग कर रही थी, लेकिन उनकी शादी किससे हो रही थी पता नहीं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले फिल्म के सेट से एक शादी के सेट की तस्वीर लीक हुई थी। अब अनुष्का की ये तस्वीर जीरो से है या नहीं पता नहीं, लेकिन उनका ये लुक जिस भी वजह से है वो शानदार है। हम तो उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह वो इस बार वो धमाकेदार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वैसे बॉलीवुड में और भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें आप प्रोस्थेटिक्स की बदौलत पहचान ही नहीं पाएंगे। राजकुमार राव। राबता नाम की फिल्म में राजकुमार राव 324 साल के आदमी बने जो एक आदिवासी समूह के मुखिया हैं। अक्षय कुमार 0.0 तमिल फिल्म। अक्षय कुमार का तमिल फिल्म 2.0 का लुक। फिल्म में अक्षय नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। इस लुक के लिए आप ही खुद ही सोचिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। शाहरुख खान फैन में शाहरुख के लुक को देखकर शायद आप खुद उन्हें पहचाने से इनकार कर दें और इसका सारा क्रेडिट उनके मेकअप को जाता है। ऋषि कपूर कपूर एंड सन्स। ऋषि कपूर भी कपूर एंड सन्स में 90 साल के दादाजी के रोल में बहुत ही अच्छे लगे। उनके इस लुक की काफी तारीफ हुई जिसका श्रेय उनके मेकअप मैन को जाता है। अमिताभ बच्चन पावर में बिग बी को देखकर हर कोई शॉक्ड हो गया था। वो इसमें एक प्रोगेरिया पीड़ित बच्चे के किरदार में थे। इस फिल्म के लिए उनका मेकअप एसम मेकअप आर्टिस्ट स्टीफन ड्यूपेस ने किया था। मेकअप करने और उतारने में अमिताभ को घंटों लग जाते थे और साथ ही इस कुछ खाना पीना भी मना होता था।